हाय फ्रेंड्स, जितना नॉलेज में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को बताऊंगा जॉब के बारे में, कौन सा हाल ही में जॉब निकला है, इस हफ्ते में कौन सा अच्छा जॉब निकला है, कौन सा एडमिट कार्ड निकला है और कौन सा रिजल्ट निकला है। उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहिए और जो अच्छा अच्छा नॉलेज है आपको हम देते रहेंगे। आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताएंगे हर सैटरडे में, आपको जॉब के बारे में बताएंगे जो एक हफ्ते में निकलता है वही जॉब के बारे में, और रिजल्ट और एडमिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो जॉब निकला है, इस हफ्ते में उतना अच्छा जॉब नहीं निकला है, फिर भी जो जॉब सबसे अच्छा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले जो जॉब है वो है क्वाइल इंडिया लिमिटेड, एक मोहरत्न कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका पास 84% जो कॉयल प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है। बहुत बड़ा कंपनी है। अब वैकेंसी के बारे में बताते हैं, यहाँ पर वैकेंसी है 1319 और यहाँ पर जो पोस्ट है वो मीनिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है मीनिंग में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में और सिविल में। उसके बाद जो है केमिकल में 4 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8 पोस्ट, 25 पोस्ट एनवायरनमेंट, ऐसा ही है पोस्ट आप देख सकते हैं। फाइनेंस, अकाउंटेंट्स और प्रोफेशनल एंड एचआर में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। फाइनेंस में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ पर है 257 पोस्ट, और पर्सनल एंड एचआर में 134 पोस्ट है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसका एज देखते हैं। इसका एज चाहिए 30 ईयर्स, मतलब आपका लो एज जो होगा, मतलब 18 ईयर्स, 20 ईयर्स जो भी होगा चलेगा, लेकिन आपको 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं मिल सकता। मतलब आप अगर SC ST फिर भी आपको 5 ईयर्स में 35 ईयर्स का तक ही मिलेगा, और 3 ईयर्स OBC का और 10 ईयर्स PW कैंडिडेट्स के लिए छूट मिलेगा एज का। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE BTech। अगर आपका एज 20 ईयर्स है फिर भी आप अगर BE BTech कम्प्लीट है तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये BA BTech और BSc भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट है वहीं पर से आपका ये एग्ज़ाम, जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिग्री, PG डिग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर अपना का डिग्री होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है, इसका एप्लीकेशन फ़ी है 1000 जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, लेकिन SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं चाहिए। इसका पे स्केल है, जो सभी इसको बारे में जानना चाहते हैं तो पहले बता दूँ फ्रेंड्स, पहले एक साल का ट्रेनिंग हुआ उस वक्त इसका जो पे होगा वो होगा 2600, मतलब 20,600 से 46,500, मतलब 50,000 के आसपास जो बेसिक पे फे देकर 50,000 के आसपास ही होगा, वो भी फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग टाइम में ही। उसके बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा, 50,000 से ऊपर हो जाएगा आपका जो पे स्केल है, मतलब बहुत बढ़िया जॉब है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया जॉब है। चलिए आगे देखते हैं, हाउ टू अप्लाई। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा नीचे में ही, इसका जो मेन जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं उसका एड्रेस, उसका लिंक, आप www.coilindia.in पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो 5/1/2017, मतलब 5/1/2017 को 10 AM से चालू हुआ है, और लास्ट डेट है 3/2/2017 को, तो एक मंथ का आपका टाइम है आपका हाथ में, आप फिलअप कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो 26/3/2017 में होगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इस जैसे क्वेश्चन आएगा, और जो टेक्निकल लाइन हो, जो अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल टेक्निकल लाइन से क्वेश्चन आएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएगा, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वाइल इंडिया लिमिटेड को इधर ही ख़त्म करते हैं, अगले में देखते हैं कौन सा जॉब अच्छा जॉब निकला है। तो फ्रेंड्स, जितना नॉलेज का दूसरा जो जॉब है वो है SSB रिक्रूटमेंट 2017, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाल ही में पब्लिश किया है, जिसका मेन ऑफिस है दिल्ली में।
वो दिल्ली से जो 872 सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड हेड कांस्टेबल के लिए ये वैकेंसी निकला है। इस वैकेंसी का पोस्ट है 872 और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट सबसे कम है 16 पोस्ट, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट उससे भी कम है 110। मतलब जो पोस्ट सारे है वो है हेड कांस्टेबल का और सभी कम्युनिकेशन लाइन का है। इसका एज होना चाहिए 18 से 25, जो फर्स्ट पोस्ट और फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए है, और 18 से 23 है थर्ड पोस्ट के लिए। इसका क्लोजिंग रिपीट का पहले ही इसका पोस्ट मतलब एज कैलकुलेट होगा, और 5 ईयर्स का छूट मिलेगा SC ST को, 3 ईयर्स का OBC को, और अदर्स कैंडिडेट्स पर्स रूल्स के खिलाफ जैसे PWD कैंडिडेट्स के लिए भी छूट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए जो डिग्री होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का ऊपर, और साइंस होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, मतलब साइंस ग्रुप रहना चाहिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा रिकॉर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। फ्रेंड्स आप देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा बायोमेट्रिक एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंड टेस्ट। मतलब बायोमेट्रिक एग्जाम होगा पहले, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद राइट एंड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पहला जो SI के लिए मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए 200, और 100 है हेड कॉन्स्टेबल के लिए, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी जो पोस्ट है चाहिए वो भी 200 रुपीज़, जो वो बहुत कम है। और फ्रेंड्स इसको आप ऑनलाइन से पे नहीं कर सकते। इस जो जनरल फॉन्टे रेस क्यू SSB रानीखेत SIBI, इस एड्रेस में आपको चेक करना होगा, और ये ब्रांच कोड इसमें आपको पोस्ट करना होगा। और SC ST के लिए कोई फी नहीं चाहिए। और कैसे अप्लाई करें, तो फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा इसका। आप अगर आपको नहीं पता है हमको पोस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को भेज दूंगा मेरा ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का वहाँ पर। और एप्लीकेशन जो फॉर्म जो जहाँ पर पोस्ट करना होगा वो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ द पोस्ट इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ पर आपको भेजना होगा। इसका लास्ट डेट ऑफ जो फर्स्ट डेट है मतलब स्टार्टिंग डेट है वो 31/12/2016 को, और लास्ट डेट है 6/1/2017 को। सॉरी लास्ट डेट है 30 डेज चाहिए, मतलब 6/1/2017 से 30 डेज मतलब 6/2/2017 तक इसका लास्ट डेट है। फ्रेंड्स आप देखते हैं इसका लास्ट जो एडमिट कार्ड और रिजल्ट, कौन सा एडमिट कार्ड निकला है और कौन सा रिजल्ट निकला है इसके बारे में आप देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं एडमिट कार्ड और रिजल्ट की तरफ। आप फ्रेंड्स इसका एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इस हफ्ते में कौन सा एडमिट कार्ड निकला है और कौन सा रिजल्ट निकला है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये आप लोग इसलिए बताता हूँ क्योंकि किसी का रिजल्ट कोई देख नहीं सकते, मतलब उसको पता ही नहीं चलता है जो उसका रिजल्ट निकला है, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकला है, और एडमिट कार्ड भी किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में उन लोगों के लिए हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो एडमिट कार्ड निकला है इस हफ्ते में वो है CWE RRB 5th जो ऑफिसर है इसके लिए 1, 2, 3 का इंटरव्यू कॉलेटर निकला है, और RBI जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑनलाइन मेन एग्जाम का कॉलेटर भी निकल गया है। और फ्रेंड्स SSCWR CGL मतलब कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है 2016 में उसका एग्ज़ाम कॉलेटर निकला है, और UPSC कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम का भी 2017 का कॉलेटर निकला है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रिजल्ट। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सारे पोस्ट है उसका भी इंटरव्यू लिस्ट जो है वो निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं जो 7/1 मतलब कल ही निकला है। और RBI असिस्टेंट का भी रिजल्ट निकला है 30/12/2016 में, 5/1/2017 में SSC जो CR का डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसका भी निकला है हाल ही में, 4/1/2017 में भी कॉम्बाइंड मैंने CGL CSSL का जो निकला है 4/1, उसका 7 तारीख से ही एग्ज़ाम चालू हो गया है,
सात से 6 तारीख तक होगा, मतलब 6 फरवरी तक होगा। और रिसर्च इन्वेस्टिगेटर SSC ईयर जो ग्रुप बी का पोस्ट है वो भी हाल ही में निकला है। और फ्रेंड्स UPSC जो ऑफिसर ऑफिसर है उसका भी निकला है हाल ही में, और UPSC सिविलियन मेडिकल ऑफिसर का भी निकला है, डेंटल सर्जन का भी निकला है। और DRDO जो पोस्ट है डिफेंस लाइन का है लेकिन इंजीनियरिंग लाइन है, इसका भी सारे पोस्ट 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सारे पोस्ट का रिजल्ट हाल ही में निकला है। और PGCIL के भी पोस्ट निकला है जो डिप्लोमा ट्रेन सिविल टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट हाल ही में निकला है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, अगले हफ्ते आप लोगों को जो जॉब निकलता है उसके बारे में अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, और कौन सा रिजल्ट और कौन सा एडमिट कार्ड इस हफ्ते में पूरे हफ्ते में निकलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक। आप मेहनत करते जाइए, आप लोगों को रिजल्ट और एडमिट कार्ड और कौन सा जॉब निकला है उसके बारे में हम बता दे जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।